नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात होगी बीपीएससी की शिक्षक बहाली के मुद्दे पर और TRE3 में कई चीजें कई सामने आ रही है समस्या की आखिर क्यों नहीं रिजल्ट पब्लिश किया गया है। और लगातार छात्रों का एक गुहार है कि सरकार के तरफ से जितनी भी चीजें सामने आ रही है, पहला मामला जो भ्रष्टाचार को लेकर है, जो करप्शन को लेकर है और कई फर्जीवाड़े जो है वो सामने आ रहे हैं TRE1 से लेकर TRE2 तक, तो दोनों मामलों को लेकर हम लोग सरकार के पास बीपीएससी के पास हम लोग आवेदन के माध्यम से सूचित कर चुके हैं कि TRE1 और TRE2 में जो हुआ पहले जो है सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन वो अपने स्तर से पहले करा ले, क्योंकि यही विवाद जो है आगे जाकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी में तू मैं की जो स्थिति बनी रही वो इस बार विवाद के रूप में सामने ना आए। और दूसरी तरफ वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, क्योंकि अभी जो बात सामने आ रही है उसमें है कि 1-5, 6-8 और 9-10, यानी कल 9-10 का भी और बंदिल जो है फाइनल आंसर की जो है वो जारी कर दिया गया है, और दूसरी तरफ 11-12 का जो आंसर की है वो बाकी है। तो जो बात है कि रिजल्ट के पब्लिकेशन में जो देरी हो रही है उसके पीछे जो मुख्य वजह है वो रोस्टर क्लियरेंस का मामला चल रहा है और नए जिलों की 9 जिलों की सूची है वो बनाकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी को भेज दी गई है, जो 50% आरक्षण के मुद्दे को लेकर अभी बात हो रही है कि आखिर रोस्टर क्लियरेंस का जो मामला है वो आखिर कब तक सुलझेगा। आखिर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के मामले पर बीपीएससी क्यों नहीं अपनी चिट्ठी निकाल रही है कि हम पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे, या 1-5 तक का, या 6-8 तक का, 9-10 का, 11-12 तक का, जितने भी कैंडिडेट हैं जो गलत तरीके से फर्जीवाड़े तरीके से अपना डॉक्यूमेंट बनवाकर और अलग अलग जगहों से, चाहे वो सर्टिफिकेट डोमिसाइल का मुद्दा हो, दूसरे राज्य के लोग बिहार में डोमिसाइल बनाकर बहाल हो गए हैं और कई जिलों से सूची जो सामने आ रही है उसमें, दूसरी तरफ 6-8 का मामला जो चल रहा था उसमें कई चीजें सामने आई है कि 90% यानी सेटेड जो छात्र हैं उनमें कम से कम 90% मार्क्स जो है वो इस परीक्षा में लाने की जरूरत है, और वो जो है उनका 90 नंबर से कम होकर भी बहाल हुए हैं, उनको बाहर किया जा रहा है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद। फिर एक और मामला सामने आया है कि कई ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जो TRE1 में दिव्यांग नहीं थे और जो TRE2 में दिव्यांग हो गए और वो बहाल हो गए हैं, तो दोनों मामलों पर कई चिट्ठी, लगभग 2 महीने से ज्यादा चिट्ठी बीत गया है और अभी तक रोस्टर क्लियरेंस के कोई भी मामले सामने नहीं आ रहे, और 50% आरक्षण का जो मुद्दा है उसको लेकर लगातार जिला शिक्षा अधिकारी हो, DPO, DPM, BEO, DEO सबको चिट्ठी लिखा गया है कि आप रोस्टर क्लियरेंस के मामले पर अपनी जो सूची है वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी को भेजिए। तो हम लोग का स्पष्ट कहना है और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी लगातार ये भी मांग कर रहे थे कि हम लोग का जो आंसर की है और बंधित जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें भी 60-8 प्रश्न ऐसे हैं जिसको गलत उत्तर बताकर वो जारी किया गया है। तो हम लोगों की डिमांड जो लगातार जो बात है छात्र अभ्यर्थियों की बात है TRE3 में, उसको लेकर लगातार समस्याएं आगे बढ़ रही है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर सरकार के तरफ से अभी तक बीपीएससी की तरफ से कोई भी चिट्ठी नहीं जारी हुआ है कि आखिर उस पर किस प्रकार का विवाद करना है। इसके पहले लगातार प्रोटेस्ट भी हुआ था, छात्र नेता की पिटाई भी हुई थी, हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो जिस तरह की चीजें सामने आ रही है उस पर सरकार गंभीरता से अगर विचार नहीं करेगी, तो हम लोग पहले भी कह रहे थे और आगे भी कह रहे हैं कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से जो भी गलती हुई है, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप रहा है और शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच की इसी गलती की वजह से है हजारों फर्जी वाले लोग जो है वो शिक्षक बन गए हैं, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस फर्जी वाले के दम पर, इस फर्जी वाले के आधार पर वो नहीं बदल सकती है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं और लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि रोस्टर क्लियरेंस की जो गतिविधि है उसमें तेजी लाई जाए। अभी 9 जिले के हुआ है, अभी कई जिले बाकी हैं लगभग, तो सारी चीजों पर रोस्टर क्लियरेंस करके और 11-12 का जो बंधित आंसर की है उसको भी जारी किया जाए, और उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग काफी गंभीरता से विचार करेगी। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रिजल्ट के प्रकाशन के पहले, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं, बीपीएससी से डिमांड कर रहे हैं। तो हमारी सारी गतिविधि इन्हीं मुद्दों पर, अगर इस तरह की चीजें नहीं होती है तो इसके पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था और आगे भी प्रोटेस्ट होगा, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई लड़ी जा रही है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, वो लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हमारी जो मांग है और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रिजल्ट के प्रकाशन के पहले, ये हम लोग की दो प्रमुख डिमांड बीपीएससी को और शिक्षा विभाग को सुननी पड़ेगी। जय हिंद।